अब मैं श्री मनोज द्विवेदी से आग्रह करूंगा कि वो इस सूर्य ग्रहण के शुरुआत से पहले आयोजित कार्यक्रम में अपना कविता पाठ करें श्री संजय गौतम जी के निवास पर। परमादरणीय हमारे नगर के वरिष्ठ कवि आदरणीय प्रभु दयाल दीक्षित जी प्रभु, आपके निर्देशानुसार गुरु गणपति शारदे, गुरु गणपति शारदे, माँ तुम्हें नवाऊं शेष, भक्ति कराओ प्रेम से, बुद्धि देहु जगदीश, बुद्धि देहु जगदीश। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, मंचासी आयोजक भी हैं, विशिष्ट अतिथिजन, परमादरणीय सभी वाणी पुत्र, राष्ट्रभक्त स्वजनों को नमन। आज के इस पावन बेला में समय का सदुपयोग करते हुए हम लोगों को ये मानव शरीर मिला हुआ है, हम भारतवर्ष के निवासी हैं। बिल्कुल धन्य धन्य ये भारत भूमि, दिव्य भूमि ये परम भूमि है, देव भूमि और कर्म भूमि ये राम कृष्ण की जन्म भूमि है। क्या हम सब यहाँ के भारतवासी, निर्मल तन मन पाया है, राम कृष्ण का गान करें ये आज परम सुख पाया है। सूर्य ग्रहण का अवसर आया, व्यर्थ समय न गवाएंगे, सारे कविजन मिल बैठ कर सुंदर कविता सुनाएंगे। बिल्कुल संजय गौतम जी के आवास पर आज यहाँ कवि गोष्ठी है, पाठक जी के संयोजन में अच्छी खासी सौष्ठी है, संचालन गुरु जी कर रहे हैं, कविता मनोज सुनाते हैं, मन प्रफुल्लित रोम रोम खिल, हृदय से शब्द आते हैं। आंसू कविता जी और ये जो प्रेम बना है आज हम सब मिले हैं संजय जी के माध्यम से, पाठक जी के माध्यम से। शुभ प्रेम का बंधन जोड़ नया है, बुलाया हमें यू बुलाते रहे, हम में सब में अति प्रेम बने, सब भांति सदा मुस्काते रहे, हमको विद्वान समाज मिला, कवितायु मनोज सुनाते रहे, प्रभु डमरू और मिश्रा जी संग गौतम जी आनंद मनाते रहे, गौतम जी आनंद मनाते रहे, सब स्वस्थ रहे, सब स्वस्थ रहे, सानंद रहे, सब भांति सदा हर साथ रहे, पावन उत्सव हो घर घर में, यही कविता पाठ कराते रहे, यही कविता पाठ कराते रहे। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अभी आप सुन रहे थे श्री मनोज द्विवेदी जी को, जो एक आंसू कविता के रूप में उन्होंने तुरंत आज की इस परिस्थिति पर काव्य पाठ किया, और इसके बाद वीरेंद्र पाठक जी डमरू जी जो विद्युत विभाग से रिटायर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपनी अच्छी अच्छी रचनाएं सब लोगों को सुनाएं। मंच को प्रणाम करूंगा, भारी लोगों का आशीर्वाद लूँगा,
पहले चार पंक्तियाँ देख लें, अपना परिचय भेज दो तुम आपको। सर हम लोग ब्रज में है पढ़े, और ब्रज में खास तौर से एक चीज होती है, पूरे इंडिया में आप घूम आना, ये हाथस नबी जैसी नबी नहीं मिलेगी। उसमें भी दो बातें हैं, एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ जमुना जी, बीच में ये हाथस नबी विराजमान है। कि कृष्ण ने की थी कृपा, बहुत बड़ी कृपा ही व्यक्त नहीं है, कि कृष्ण ने की थी कृपा के पास गोवर्धन मिला, और ब्रह्म कुल में आन कर ये जन्म नर कीर्तन मिला। स्नान आचमन करने को गंगा का निर्मल जल मिला, और अधहरण मंगल करण सब तुम्हारा या सत्संग मिला। एक गजल लिख रहा था थोड़ी देर पहले बैठे, जब भाई साहब का फोन आया, शायद आप पता भेजल सब पहले पंक्तियां देख लें भेजल। हाँ तुम कहीं भी रहो, तुम कभी भी मिले, वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले, नायिका के लिए कहा गया है। एक नायक नायिका से क्या कह रहा है, बड़ा परेशान है। नायिका जब चलने लगी तो नायिका की आंखों में आंसू आ गए, और नायक भी जब चलते समय रो गया, लेकिन वो रुका नहीं। वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले, नायक कह रहा है, नायिका नायक कह रहा है। अच्छा। वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले, ख्वाब में ही सही जिंदगी तो मिले, वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले, ख्वाब में ही सही। तेरी वो कभी तो मिले, वो कहीं तो मिले, ख्वाब में ही सही जिंदगी तो मिले, वो कभी तो मिले, वो कहीं तो मिले, हम भी कह देंगे घर में बाहर आ गई, हम भी कह देंगे घर में बाहर आ गई, को डाली चमन की हरी तो। भैया ऐसे नहीं मानूंगा, या तो मुझे दाद दें या मेरी तालियां बजाएं, जैसे मेरा उसका अच्छा था। बजा दो। हम भी कह देंगे घर में बाहर आ गई, को डाली चमन की हरी तो मिले, वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले, तेरी गलियों में जिंदगी गुजर जाएगी। अच्छा। तेरी गलियों में जिंदगी गुजर जाएगी, जाने मन उस गली का पता तो मिले, तेरी गलियों जाएगी, जाने मन उस गली का पता तो मिले, वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले, ख्वाब में ही सही जिंदगी तो मिले, वो कभी तो मिले, वो कभी तो मिले। बहुत अच्छा सजल कर दिया हमने। कुछ दिन पहले हम और आप जो संजय मोदी जी अध्यक्ष मोदी हमारे संजय सर शर्मा जी गौतम जी कहीं मिले तो मुलाकात की, निवेदन किया था, भाई साहब तैयार हुए। उस समय की रचना है भाई साहब, करीबन 15-20 दिन पहले ही बता रहा हूँ। स्वागत स्वागत।
बीच में कट कर दिया करो छोटे छोटे। आप भगवान से विनती करिए समय सबरी बेर खा रही है झूठे और इंतजार देख रहे कि मेरे प्रभु आए रास्ते में फूल बिछा दिए हैं झाड़ू लगा रही है और रोजाना रोती भी और कहती भी है क्या किसी दिन तो मेरे प्रभु राम आएंगे। तो देखिए इस रूप को मैंने कैसे लिया कि आप आए नहीं और शोभा हो गई, आप आए नहीं और शोभा हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, आप आए नहीं और शोभा हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, कि भोग रखा रहा थाली गंदा भोग का, कि भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, आरती भी सजी की सजी रह गई, आप आए नहीं और शोभा हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, रह गई। कहने लगी मुझसे रूठे हो क्यों, गौतम साहब खास तौर से कि मुझसे रूठे हो क्यों, आप आते नहीं मुझसे रूठे हो क्यों, आप आते नहीं और मेरा अपराध क्या है बता के नहीं, मुझसे रूठे हो क्यों, आप आते नहीं मेरा अपराध क्या है बताते नहीं, आंखें रो रो के सारी ये सूज गई, आंखें रो रो के सारी ये सूज गई, क्या बुलाने में मेरे कमी रह गई, आई और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, आरती भी सजी की सजी रह गई, आए नहीं। और अंतिम देख लें क्या बात स्वागत, कि ज्ञान भी हो गया ध्यान भी हो गया, रोजाना ले लग रही थी कि ज्ञान भी हो गया ध्यान भी हो गया, ध्यान भी हो गया, दर्शन करने की आशा दिल में लगी, ज्ञान भी हो गया और ध्यान भी हो गया, मन में दर्शन करने की आशा लगी ही रही, कुछ कहना सकी कुछ कहना सकी कुछ सुनना सकी, कुछ कहना सकी कुछ सुनना सकी, भावना में मेरे क्या कमी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, आरती भी सजी की सजी रह गई, आप आए। अभी आप सुन रहे थे वीरेंद्र कुमार पाठक जी को, बहुत सुंदर कविताएं सुनाई आपने, और अब उमाशंकर जी कि सरासर सोना भरा था, सरासर सोना भरा था, सोना भरा था लंका की दीवार,
सरासर सोना भरा था लंका की दीवार में और एक रत्ती भी न मिला उसको मरती बार। क्या बात है, क्या बात है। और हरयुग में योद्धा हुए देखो बारंबार में, और वो भी योद्धा न रहे जिनके काल था अवतार। वो भी योद्धा न रहे जिनके काल था दरबार। अब साहब एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका से बिछड़ गया, अच्छा शराब पीने लग गया, अच्छा तो उसने शराब में एक अपना गीत गाया, उसका सुना था बड़ा नम सुना दो सुना दो। हे ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम बदनाम। रहने दो छोड़ो बिछाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो बिछाने दो यार, क्या टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। क्यों नहीं करेंगे प्यार? प्यार के बिना तो कोई जिंदगी ही नहीं है। जिंदगी में प्यार है, प्यार करने वाले का लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर है। प्यार के बिना तो संसार चल ही नहीं सकता। अभी तो लोगों में से अब मैं संजय गौतम जी से आग्रह करूंगा कि वो कुछ सुनाएं। बिल्कुल सुनाइए। पंडित जी से मैंने सुना था कभी चार लाइन जो हमारे जीवन पर आधारित हैं, बस वही कभी जब गुनगुना लिया करता हूँ आपको सुना। छंडभंग जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। क्या छंडभंग जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलया चल की सुच सी तल मंद सुगंध सुगंध शमीर चली न चली। काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, जन अंत समय तू हिली न हिली। बहुत बढ़िया, ये जीवन का सार है। सार है, बिल्कुल बहुत सुंदर पाठ दिया गौतम जी ने। और मैं अब अभी तक जो हम सब का परिचय करके संचालन कर रहे थे, हमारे हाथरस की महान विभूतियों में गणना हो रही है, कवियों में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, 18,000 से अधिक दोहों के संकलन स्वलिखित और 51 पुस्तकों के रचयिता हमारे वरिष्ठ कवि आदरणीय प्रभु सर्वप्रधान जी का स्वागत अभिनंदन। और मैं अब उनसे निवेदन करूँगा, उन्होंने सबसे काव्य पाठ कराया और इस समय कि पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, विधिना की गति टले न टाले अजब खेल रख।
हमारे गौतम जी ने जो जीवन का एक सार बता दिया, ये क्षणभंगुर जीवन है। इस धरती का एक डॉक्टर है, एक प्रसंग सुना दो सेकंड का। डॉक्टर इस धरती का देवता कहा जाता है, उस डॉक्टर की उस देवता को भी नहीं पता कि उसकी मृत्यु कब आएगी। एक डॉक्टर एक मरीज को आला गले लगाता है, पूरी दवा लिख नहीं पाता, यम का परवाना आता है कि आ गया यम का परवाना, कलम मेज पर पड़ी रही, अधरे रह गए गाड़ी बंगले खाली बारादरी रही। इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें ये सीख देते हैं ये कहानियाँ। अब मैं प्रभु जी से कहूँगा कि वो अपने इस अथाह समुद्र में ज्ञान के भंडार में से कुछ स्वागत है भाई साहब, बहुमूल्य मोती हम सब लोगों के सामने परोसे। आदरणीय प्रभु दयाल प्रभु जी अवश्य आदरणीय प्रभु जी धन्यवाद द्विवेदी जी। तो जैसा कि आपने सभी लोगों को बताया है, 18,000 से अधिक दोहों की रचना हो चुकी है, जो भारत सरकार से कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन भी है जिनका। वाह बहुत खूब। इसके अलावा भी हैं 4,000-5,000 दोहे जो मैंने अभी इसमें गिनती में नहीं लिए हैं, क्योंकि जब उनकी पुस्तकों का मैं कॉपीराइट करा दूंगा तभी मैं उनकी गिनती को भी इसमें शामिल करूंगा। अच्छा अच्छा, तो पहले दोहे सुना रहा हूँ मैं आपको। स्वागत। स्टेशन संसार है, जीवन है एक रेल। स्टेशन संसार है, जीवन है एक रेल। रेल का इंजन क्या पता कब हो जाए फेल, कब हो जाए फेल। मुर्दे से बोली चिता, क्या अब बोलो श्रीमान। मुर्दे से बोली चिता, अब बोलो श्रीमान। कहाँ गए सब छल कपट क्रोध मोह अभिमान, क्रोध मोह अभिमान। वाह 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 वाह। पंछी उड़ता गगन में, वाह। पंछी उड़ता गगन में, नीचे नजर झुकाए। पंछी उड़ता गगन में, नीचे नजर झुकाए। और तू जमीन पर भी चले, क्या बात है। तू जमीन पर भी चले, ऊपर शीश उठाए, ऊपर शीश उठाए। मारेगा जिस दिन हमें, क्या कह रहे हैं, मारेगा जिस दिन हमें क्रूर काल का तीर। मारेगा जिस दिन हमें क्रूर काल का तीर। कोने में टंग जाएगी हम सब की तस्वीर। वाह 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 भाई वाह प्रभु जी वाह जी वाह वाह। और देखिए जी, यदि हो जाए विश्व के कवि लेखक सब मोर, यदि हो जाए विश्व के कवि लेखक सब मौन, दर्पण जगत समाज को दिखलाएगा कौन। क्या बात है, क्या कह रहे हैं, दिखलाएगा कौन, कौन दिखलाएगा दर्पण। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा था जी एक दोहा जी, सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले है आस। वाह। राज धर्म तन छेड़कर होए तीन कर्म बिगिना। उन्होंने तीन लोगों के लिए लिखा था, मैंने एक ही दोहे में सात लोगों के लिए लिखा। वाह वाह, ये तुलसीदास जी की ही कृपा है। वाह, क्योंकि मैंने दोहों की जो शुरुआत करी थी तो सबसे पहले मैंने स्मरण तुलसीदास जो दोहा के सम्राट रहे हैं उन्हीं का किया था, तो वो दोहा में सुना रहा हूँ प्रथम दोहा। क्या बात,
तुलसी सूर कबीर के चरणों की हूँ धूल, तुलसी सूर कबीर के चरणों की हूँ धूल, प्रभु चरणों में समर्पित करूं काव्य के फूल, करूं काव्य के फूल। मैंने ये सबसे पहले दोहा लिखा था, मैंने सबसे पहले उन्हीं की वंदना करनी चाहिए जो दोहों के सम्राट है, दोहा वाली कविता वाली लिखी तो उन्हीं की कृपा से लिखते लिखते है। वाह, 18,000 से अधिक क्या बात है पुस्तकों में हो गई और बाकी होने वाले हैं, उनका डिक्लेरेशन बाद में होगा। तो और दोहे देखिए, वो दोहा में जिसमें 7 रोग हो गया मैंने। हाँ, स्वागत स्वागत। सुत स्वामी सेवक सखा, सुत स्वामी सेवक सखा, वाह, स्वामी सेवक सखा, और 7 और 7 से शुरू होते हैं। हाँ, सेवक सखा, सुत स्वामी सेवक सखा, शासक सैनिक संत, क्या सुत स्वामी सेवक सखा, शासक सैनिक संत, क्या बात, सत्य न बोले तो मिले, ये 7 और सत्य न बोले यानी गलत रिपोर्टिंग करें, सत्य न बोले तो मिले दुष्परिणाम अनंत, वाह 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 वाह, दुष्परिणाम अनंत। आप लोगों के समझ में आए होंगे, 7 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुत सेवक स्वामी से डिटेल कर देता हूँ, सुत बेटा, हाँ, स्वामी मालिक, किसी चीज का मालिक हो जी, सेवक, हाँ, सेवा करने वाला दास, सेवा करने वाला दास, सखा मित्र, हाँ, शासक राजा, हाँ, सैनिक सिपाही और संत, संत। अगर ये सत्य न बोले, किसी के डर की वजह से ये झूठ बोल जाए, यानी बच्चा से पूछा जाए कि बेटा तू कहाँ गया था, और वो गलत बता दे माता पिता को, हैं, छुपा जाए बात को, तो इसके दुष्परिणाम भविष्य में बहुत बुरे निकल होंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसीलिए ये दुआ मैंने लिखा। वाह, और देखिए कबीर ने या रहीम ने वो लिखा था, माटी कहे कुमार से, माटी कहे कुमार से, तू क्या रूं दे मुझे, एक दिन ऐसा होगा कि मैं रूं दूंगा। तो मेरी भी भावना लगी कि ये प्रभु कोई ऐसी बात निकल के आए जिस पर मैं अलग से कुछ लिख सकूँ, तो मैंने लिखा कि आग कहे इंसान तू जला सके ना मोए, आग कहे इंसान तू जला सके ना मोए, और चिता अग्नि बन एक दिन, चिता अग्नि बन एक दिन, भस्म करूंगी तो, भस्म करूं मैं तो। वाह 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 वाह। और देखिए एक दुआ जी, स्वागत, जिसका कोई जवाब नहीं, वाह, लाजवाब दुआ है, लाजवाब जवाब, किसी पास उसका जवाब नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, है तो बताएं, किसी पास तो बताएं, बताएं, सही है। जैसे हम कहते हैं कि चैलेंज भी है, मर गया, हाँ, कोई भी कि फलां मर गया, कुछ भी नहीं मरता, जब क्यों नहीं मरता कि पंच तत्व भी हैं अमर, बिल्कुल है, जिनसे ये शरीर बनता है। हाँ हाँ, पंच तत्व भी हैं अमर और अमर हैं प्राण, पंच तत्व भी हैं अमर और अमर हैं प्राण, फिर बोलो मारे किसे, फिर बोलो मारे किसे, क्रूर काल के बाण, क्रूर काल के बाण। बताओ, जब पंच तत्व अमर है, प्राण भी, शरीर नश्वर, पांच तत्व का विलीन हो जाता है, और प्राण अमर है ही, आत्मा, फिर क्या मरता है, कुछ भी नहीं मरता, स्वरूप बदल जाता है। ये तो मैंने आपको दोहे को सुनाए नमूने के रूप में, अब मुक्तक सुना रहा हूं, मुक्तक, कि चिरागों को कभी तूफान में जलते नहीं देखा, चिरागों को कभी तूफान में जलते नहीं देखा, कभी भी कश्तियों को रेत पर चलते नहीं देखा, कभी भी कश्तियों को रेत पर चलते नहीं देखा,
ढलते देखा है सूरज चांद को रंग रूप यौवन को, हर चीज ढल जाती है। बिल्कुल, सूरज से कोई बड़ा ग्रह नहीं है ब्रह्मांड में, वो भी ढल जाता है। सूरज हाँ, निकलता सुबह है, दोपहर शाम तीन अवस्थाएं। कि ढलते देखा है सूरज चांद को रंग रूप यौवन को, लेकिन बुढ़ापे को किसी ने आज तक ढलते नहीं देखा। बुढ़ापे को किसी ने आज तक ढलते नहीं देखा, भले ही बाल काले कर लो, हाँ ढाई लगा, लेकिन बुढ़ापा नहीं ढल रहा है। हाँ, मांग भरोसे देना, सफेद मांग भरी रही है। हाँ, बुढ़ापे की पहचान है विड्रो। एक मुक्त और देखें जी, जब हार्दिक प्रेम होता है जी, स्वागत आत्मीय प्रेम, प्रेम स्पिरिचुअल लव, तो क्या स्थिति होती है जी? ऐसी स्थिति होती है, साइलेंट पे लगा दो जी। तो मुक्तक, आत्मीय प्रेम होने पर क्या स्थिति बनती है जी, दो आत्माओं के बीच या दो शरीरों के बीच में? जी जी, स्पिरिचुअल लव। मेरी आंखें तेरी आंखों की हर भाषा समझती है, वाह। मेरी आंखें तेरी आंखों की हर भाषा समझती हैं, मेरी धड़कन तेरी धड़कन की परिभाषा समझती है। क्या कहने, मेरी धड़कन तेरी धड़कन की परिभाषा समझती है। न जाने क्यों महकती सी मेरी सांसें, न जाने क्यों महकती सी मेरी सांसें, तुझे सागर समझती है, मुझे प्यासा क्या समझती है, क्या कहते हैं, वाह 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 वाह, मुझे सागर समझती है, वो मुझे प्यासा समझती है, क्या कहते हैं, वाह धन्यवाद, बहुत सुंदर।